आप परमात्मा को एक महान शक्ति मानते हैं, और अगर नहीं भी मानते तो भी आपको सोचना चाहिए कि आज हमारे अंदर जो कुछ भी हमने प्राप्त किया हुआ वो सिर्फ एक संवेदना मात्र है, एक देखना मात्र है, एक सुनना मात्र है, जानना मात्र है, लेकिन सबका जानना अलग अलग है। हर आदमी अलग तरह से सोचता है, कोई सोचता है कि यही ठीक है, कोई सोचता है वही ठीक है, कोई सोचता है कि कम्युनिज्म ठीक है, तो कोई सोचता है कि डेमोक्रेसी ठीक है, लेकिन दोनों भी ठीक है। जो एक कैपिटलिस्ट है वो सोचता है कि मैं ही ठीक हूँ। मैं ये कहूंगी कि समझ लीजिए मेरे अंदर अगर सब शक्तियां तो मैं बहुत ही बड़ी कैपिटलिस्ट हो गई, लेकिन ऐसे कैपिटलिस्ट को चैन नहीं आएगा जब तक वो अपना कैपिटल दूसरों को बांटेगा नहीं, जब तक वो दूसरों को इसका शेयर नहीं देगा। ऐसे कैपिटलिस्ट को, ऐसे पूंजीवादी को आराम नहीं आने वाला। ये स्थिति जब मनुष्य आ जाए कि जब वो इस अध्यात्म को कैपिटल को पाले तो वो बांटे बगैर उसे चैन ही नहीं आएगा। तो इसको प्राप्त करने के लिए जो हमारे अंदर व्यवस्था की गई है, अनादिकाल से हमारे अंदर बसी हुई एक बड़ी शक्ति है जिसका नाम है कुंडली। अब इसका शक्ति का चलना, इसका उठना और इसका गतिमान होना भी सब कुछ किसी किसी लोगों में दिखाई देता, सब में नहीं दिखाई देता। अधिकतर लोगों में कुंडलिनी बड़े जोर से उठती है और एकदम से ब्रह्मरंध्र को छेद देती है, इसलिए दिखाई नहीं देता, किंतु उसको भी आप देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सहयोग पर बहुत से प्रयोग हुए हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सहयोग को तीन डॉक्टर्स को एमडी की पदवी मिली है, जिन्होंने देखा कि सहयोग से अनेक बीमारियां ठीक हो जाती। यहाँ पे भी ऐसे लोग कुछ बैठे जो बहुत बीमार थे और बहुत तकलीफ में थे, लेकिन वो ठीक हो। इसमें मैं कुछ नहीं कर रही, इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं बनता, आप ही की अपनी शक्ति है जो जागरूक हो जाती है, और उसकी जागृति की वजह से आपके अंदर जो सूक्ष्म चक्र है वो जागृत हो जाते हैं, और जब ये सूक्ष्म चक्र पूरी तरह से प्लावित हो जाते हैं तो आप अपने आप ही तंदुरुस्त हो जाते हैं। फिर आपकी मानसिक स्थिति भी इन्हीं चक्रों पे निर्भर है। अगर आपके चक्रों में अगर कुछ खराबी आ गई है इसलिए आपकी मानसिक स्थिति खराब है। जिस वक्त ये कुंडलिनी का जागरण हो जाता है तो मानसिक स्थिति भी ठीक हो जाती है। अब हम लोग इस मेडिकल साइंस से सिर्फ वहां तक पहुंचे हैं कि इसको हम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहने से पहले जान लेना चाहिए कि ये ऑटो है कौन। अगर हम ऑटोमोबाइल अगर कहते हैं एक मोटर को, तो उसमें हम जानते हैं कि इसमें बैठा हुआ एक ड्राइवर है, तो हमारे अंदर बैठा हुआ कोई ड्राइवर होगा ना जो इस ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को चलाता है। ये ऑटो जो है यही हमारा आत्मा, और इस आत्मा से जब हमारा पूरी तरह से संबंध हो जाता है, माने इस आत्मा का प्रकाश हमारे जब चित्त में आ जाता है तो हम भी आलोकित हो जाते हैं। और जैसे कि यूम ने कहा था कि जब सेल्फ-रियलाइजेशन हो जाएगा तब आत्मा में इंसान में हमारे अंदर एक सामूहिक चेतना जागृत हो जाएगी, यानी मानविक चेतना जो है उसमें हमारे अंदर सामूहिक चेतना नहीं। जैसे आपसे हम बात कर रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, लेकिन आपके अंदर चक्र में कौन सी तकलीफ है ये आप भी नहीं जानते, और अगर हम भी नहीं जानते तो बेकार। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि आप सामूहिक चेतना में जागरूक हो जाए, माने आप स्वयं ही ये जान ले कि दूसरे के अंदर कौन सी शिकायत है और आपके अंदर कौन सी तकलीफ है या आपके अंदर कौन सी रुकावट है, तो इसका मतलब है कि दूसरा कोई है ही नहीं, सब आपके ही अंदर है। और आपके ही अंदर होने की वजह से आप उंगलियों के किनारों पर यहाँ पर जान सकते हैं कि किसके कौन से चक्र पकड़े हैं और किसके कौन से चक्रों में दोष। इस पर सबसे बड़ा काम तो मोहम्मद साहब ने किया, मैं कहती हूँ, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जब आपकी उपकार की होगी, जब आपका रिजरेक्शन होगा, तब आपके हाथ बोलेंगे और आपके खिलाफ शहादत देंगे। बहुत साफ साफ लिखी हुई बातें सुरा में है, जिसको कि हम कहेंगे कि उन्होंने सहयोग की जगह शस्ता योगा ऐसा उसका नाम है, और उसमें कहा भी है कि तुम लोग इस बात का विश्वास नहीं करोगे और तुम इसको जानने की कोशिश नहीं करोगे। बहुत साफ साफ तौर पे ये बात लिखी हुई। उसी तरह से
बाइबल में भी लिखा हुआ है कि हम होली घोस्ट को भेजेंगे जो कि आपको सब तरह के दुखों से दूर करेगा, कंफर्ट, और आपको पूरा ज्ञान देगा जो कि काउंसिलर है, और आपको रिडीम करेगा माने आपके आपको आत्म साक्षात्कार माने आपका पुनर्जन्म होगा। हमारे यहाँ भी ब्राह्मण को बीज कहते हैं और एक चिड़िया को भी बीज कहते हैं। बीज आए कृपा बीज, दो बार जिसका जन्म होता है उसको बीज कहते हैं, माने एक बार तो पक्षी को भी बीज कहा जाता है, क्योंकि पक्षी पहले अन्य रूप से जन्म लेता है और उसके बाद पक्षी रूप से जन्म लेता है। उसी प्रकार मनुष्य एक मानव स्वरूप में जन्म लेता है और उसके बाद वो एक आत्म साक्षात्कारी, एक स्वतंत्र, पूरी तरह से ईश्वर को तंत्र जानने वाला ऐसा स्वतंत्र व्यक्ति तैयार होता है। इसको मोहम्मद साहब ने वली ऐसे किया। हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत सारे वली हो गए, ख्वाजा निजामुद्दीन साहब हो गए हैं, ख्वाजा मोहिद्दीन साहब हो गए हैं, बहुत से ऐसे लोग हो गए हैं, और हर धर्म में ऐसे बड़े बड़े महान सेंट्स हो गए हैं, उनको हम लोग संत कहते हैं। और इसी प्रकार आपके यहाँ पर भी बहुत से संत हो गए हैं, महाराष्ट्र में हो गए हैं, पंजाब में हो गए हैं, कबीर हो गए हैं, हर जगह संतों की समझ लीजिए भरमार रही अपने देश में। इतने तो संत किसी भी देश में नहीं, इसीलिए मैं इस भारत भूमि को नमन करती हूँ कि एक योग भूमि। योग का मतलब होता है कि हमारा उस चारों तरफ फैली हुई उस सूक्ष्म सृष्टि से संबंध होना, और सहज का मतलब होता है सह माने आपके साथ जो माने जन्मा हुआ। ये योग का जन्म सिद्ध अधिकार हर मनुष्य को और उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। चारों तरफ छाई हुई ये जो सूक्ष्म सृष्टि है जिसको हम आज तक जानते नहीं, वो आप खुद ही महसूस कर सकते हैं, और इसका वर्णन बहुत स्पष्ट रूप से आदि शंकराचार्य ने कहा है, सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी हवा, हाथ में ऐसी ठंडी ठंडी हवा जैसी ये चारों तरफ में फैली हुई सूक्ष्म सृष्टि से आपको मिली। पर यही सब कुछ नहीं, आगे इससे आप अनेक कार्य कर सकते हैं, आप लोगों की कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं, लोगों को ठीक कर सकते हैं, उनको ठीक रास्ते पर ला सकते हैं, और स्वयं आप एक विशेष व्यक्ति हो जाते हैं, एक विशेष व्यक्ति जो कि प्रचंड शक्ति वाला डायनामिक, उसी प्रकार अत्यंत प्रेममय और सुखमय और आनंददायी जीव हो जाता है। माने सारे समाज के परिवर्तन की मैं बात कर रही हूँ, सारे संसार के परिवर्तन की मैं बात कर रही हूँ, कि ये जब तक मनुष्य में परिवर्तन नहीं आएगा ये संसार में परिवर्तन नहीं आ सकता। ऊपरी चीजों से, ऊपरी बातों से ये परिवर्तन नहीं आ सकता। मैं मानती हूँ कि धर्म के नाम पे बहुत से गलत काम किए गए, इसका मतलब ये नहीं कि जिन्होंने धर्म बनाए वो लोग गलत थे, वो सही लोग थे, बिल्कुल सही, और सबका आपस में रिश्ता है। लेकिन मनुष्य ऐसा है कि हर चीज को उसको दे दीजिए उसको बिगाड़ना, मनुष्य से बढ़कर तो और कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। एक जानवर को दे दीजिए तो वो इतना नहीं बिगाड़ेगा जितना मनुष्य बिगाड़ सकता है, और वही मनुष्य ने कर दिया कि हर धर्म का रूप इतना विद्रूप कर दिया है कि समझ ही नहीं आता कि इसका उस परमात्मा के साथ या उस प्रवर्तक जिसने ये धर्म को बनाया कोई संबंध ही नहीं बनता। इस प्रकार आज मनुष्य के अंदर ये चेतना जागरूक हो रही और वो सोच रहा है कि है क्या, तो वो फिर कहने लगता है कि परमात्मा ही नहीं, ये बड़ा ही आपका मेरे विचार से अविज्ञानी विचार। जब तक आपने जाना नहीं तब तक आप इस तरह से कहना, आप सब जितने बड़े बड़े हो गए हैं उन्हीं को जैसे मना कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत अत्यावश्यक है कि पहले हम अपना दिमाग इस ओर खोलें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत नवीन भी बात हो सकती है। कुंडली की बात अगर कोई 200 साल पहले कहता तो नई बात नहीं थी। 1200 में ज्ञानेश्वर जी ने इस पर बात करी है, मार्कंडेय ने तो हजारों वर्ष पूर्व इस पर बात करी हुई है, कभी दास जी ने बात करी हुई है, बाइबल में भी इसकी बात है, नानक साहब ने इस पर बात की हुई है, लेकिन किसी ने सोचा ही नहीं कि ये बात कुछ सच है, इधर कुछ ध्यान देना चाहिए। और अंग्रेजी जब से हम लोग सीखने लगे तब से हम लोग ये भूल ही गए कि हमारा कौन सा धरोहर है, हमारा कौन सा हेरिटेज, किस हेरिटेज पर हम पढ़ रहे हैं, और हमारा जो हेरिटेज है वो आध्यात्म।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।